आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के क्लास में। प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी का 7.1 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग प्रवेश करेंगे 7.2 में। तो प्रीवियस जो आप इंटीग्रेशन बनाए और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है ये पहले समझ लेना है। अभी तक जितने भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे सारे फॉर्म को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दे रहे थे, अगर इंटू में भी था या फिर डिवाइड में था तो हमारा कोशिश होता था कि उसको हम प्लस माइनस या फॉर्मूला पर सेट कर दें। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इस मामले में है कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को हम लोग यानी मैक्सिमम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी उसके फॉर्म को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का 3 क्वेश्चन आप लोग का यहां पर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। अब इस क्वेश्चन में पहला क्या प्रयास होगा हमारा ये ध्यान रखना है, यानी 7.2 में जितना भी प्रॉब्लम होगा सारे प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है कि किस वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन देखने के बाद आइडिया लगाना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन करें तो दूसरा वैल्यू आ जाए। तो यहां पर देखिएगा अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज्यूम करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ये कुछ कंफर्म नहीं है, आपको क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लगाना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरा वैल्यू हमारा मिलेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में जो हमारा होता है इंटीग्रेशन का, इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अब हम लोग dy by dx टर्म हम दोनों साइड लगाने वाले हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर इक्वल टू dy by dx, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर से क्या हो जाएगा dy by dx, यहां पर से क्या हो जाएगा 1 प्लस dy by dx x स्क्वायर और यहां से हमारा क्या हो जाएगा dz by dx। यानी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल कांसेप्ट मालूम होना चाहिए, यानी फंडामेंटल डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू dz by dx। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके, ध्यान दीजिएगा 2x इक्वल टू dz by dx। हमको यहां पर से क्या करना है, अब यहां पर से अगर हम लोग देखते हैं तो 2x dx अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2x डॉट dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dz, यानी सारे टर्म को हमको क्या करना है z के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से का प्रोसीजर होता है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन जो है उसको आप लिख दीजिए, क्या है यहां पर से 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। अगर आप चाहेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1y 1 प्लस x² डॉट 2x डॉट dx, कोई फर्क नहीं पड़ता है सेम ही है। हम यहां पर सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ऐसा लिखे कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं। और देखिए यहां पर से 1 प्लस x² को क्या एज्यूम किए हैं z एज्यूम किए हैं, तो 1 प्लस x² के जगह पर आप लोग क्या किए z लिखिए और इतना के जगह पर आपको क्या लिखना है dz। तो ये हो गया। अब देखिए
जो आप लोग का ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो सारा टर्म क्या हो गया, z के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू हमारा क्या होता है, log x plus c, हटा क्या, क्या log x c, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर से 1 by z हमारा क्या हो जाएगा, log z plus c। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, अब z किसको एज्यूम किए थे, 1 plus x square, और लास्ट में आप लोग क्या कीजिए, log z के जगह पर 1 plus x square plus c, जो आप लोग का होगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को चूंकि सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ते चले जाएंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन देखने के बाद हमको ये एज्यूम करना है कि किसको हम लोग माने, ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारा मिल जाए। अगर हम लोग 2x मानते तो क्या 1 plus x square मिलता, नहीं मिलता। लेकिन 1 plus x square को एज्यूम करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x dx यहां पे हमारा मिल गया। तो यहां पर यही ध्यान देना है कि किस वैल्यू को हम एज्यूम करें ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारा ऑब्टेंड हो जाए। तो अगर आप ये समझ कहां से आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके अंदर जो नॉलेज डेवलप करेगा और प्रैक्टिस से आपको भी फिर धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि किस वैल्यू को एज्यूम करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वीडियो पॉज करके आप आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हम किसको एज्यूम करें। देखिए log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और dx, ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहां पर आपको समझना है कि किसको एज्यूम करना है। अब मान लेते हैं कि अगर हम x को एज्यूम करते हैं तो क्या log x, x का डिफरेंशिएशन करने के बाद log x आएगा, नहीं आएगा। लेकिन log x को अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x। तो यहीं पर हमारा फंडामेंटल जो पहला अप्रोच है, पहला जो थिंकिंग है, काम करता है कि log x को एज्यूम करके देखते हैं तो सारा वैल्यू हमारा z के फॉर्म में कन्वर्ट। यहां पर z कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, t ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लेते हैं let log x equal to z। अब यहां पर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स और विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy / dx हम दोनों साइड टर्म लगाएंगे तो यहां पर से log x हो जाएगा और इक्वल टू dy / dx। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आएगा। तो log x का माना क्या हो जाएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन 1 by x equal to dz by dx। देखिए हमारा क्या है, dx y divided by x है ना, तो इसको अगर dx यहां पर लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, dx y x equal to dz। तो जहां पर dx y x होगा वहां पर हम क्या करेंगे, dz को पुट करेंगे। तो अब चलिए जो ओरिजिनल आप लोग का इंटीग्रेशन था उसको हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x डॉट dx। अब देखिए थोड़ा सा सामने क्लियर दिखे इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, log x का होल स्क्वायर रहने देते हैं और इनटू dx / x, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से हमारा क्या होगा, अब देखिए यहां पर से dx / x, तो dx / x हमारा यहां पर क्लियर दिख रहा है, और यहां पर से देखिए log x, तो log x के जगह पर हम लोग क्या लिखना है, z लिखना है। तो यहां से हो जाएगा z आलिया स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा dz, dx / x के जगह पर क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। और अब ये हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 2 + 1 /
टू प्लस वन प्लस सी यानी जेड क्यू आई थ्री प्लस सी आ गया। अब हम जेड की स्क्वायर ज्यूम किए थे तो लॉग एक्स स्क्वायर ज्यूम किए थे, अब फाइनल वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। आपका देखिए आंसर आ गया। यानी सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है यहाँ पर एज्यूम करना, अगर एज्यूम करके आपको समझ में आ गया किसको हम लोग को मानना है तब जाकर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जब आप देखे होंगे तो आपको समझ में आने लगा होगा कि किसको एज्यूम करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है और कैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है एज्यूम करना है, सेकंड स्टेप है डिफरेंशिएट करना है और तीसरा स्टेप है कि सारे वैल्यू को जिस फॉर्म में एज्यूम किए थे, अगर जेड के फॉर्म में एज्यूम किए थे तो सारे वैल्यू को जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी पहला स्टेप देखिए एज्यूम करना या मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करके वैल्यू लाना, सेकेंड स्टेप, तीसरा हमारा है यहाँ पर पुट करना और चौथा तो आप लोग देख ही रहे कि उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना और कह सकते हैं कि पांचवा में फिर से उसी वैल्यू को पुट करना है। यानी टोटल फाइव स्टेप पे हमारा आंसर आ जा रहा है। पहला एज्यूम करना, दूसरा डिफरेंशिएट करना, तीसरा सारे वैल्यू को कन्वर्ट करना, चौथा इंटीग्रेट करना और फिर से जो हम एज्यूम किए थे उसको ओरिजिनल वैल्यू पुट करना। यानी इफ यू विल फॉलो द फाइव स्टेप देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का है, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका कंसेप्ट चेंज होगा तो ध्यान रखना है कि सारे में एक ही कंसेप्ट नहीं लागू होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर को एज्यूम करते हैं तो क्या डिनोमिनेटर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर को भी अगर हम एज्यूम करते हैं तो न्यूमरेटर नहीं आएगा। यानी अगर एक्स प्लस एक्स डॉट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कभी भी वन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम यहीं पर, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1y, अगर हम x यहां पे से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x dx। यानी जो क्वेश्चन आप लोग का था दिया हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले हम क्या किए मॉडिफाई कर दिए और मॉडिफाई करने के बाद देखिए अगर हम 1 प्लस log x को एज्यूम करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो हमारा चांसेस है कि सारा वैल्यू जेड के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब यहां पर सिलेक्ट कर देते हैं, लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहां पर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यानी बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर जेड हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस log x। अब देखिए एक एक टर्म को हम लोग यहाँ पर से नहीं लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा dz y dx equal to 1 का differentiation 0 और log x क्या हो जाएगा 1 by x। यानी लिख सकते हैं dz y dx equal to 1 by x। हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए 1 by x है, 1 by x यानी dx आपका न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में क्या हो x हो। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पर ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं dz equal to dx by x, यानी dx by x जहाँ पर होगा उसके जगह पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे यानी पुट करेंगे dz। तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर जो मॉडिफाई करके लाए थे सिंप्लीफाई किए थे थोड़ा सा, इसको यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 by x 1 plus log x और dx। इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x इनटू dx बाय x। आप लोग का देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या किए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा इसलिए किए हैं ताकि आपको सामने दिख सके कि dx के dx बाय x की जगह क्या पुट करना है dz और 1 प्लस log x के जगह पर क्या पुट करना है z। तो यहां पर लिख सकते हैं देखिए 1 प्लस log x, 1 प्लस log x के जगह पर 1 by z और dx
बाई एक्स के जगह पर डी जेड। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग जेड होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग जेड प्लस सी। तो पहला स्टेप एज्यूम करना, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट करके वैल्यू फाइंड आउट करना, तीसरा वैल्यू को पुट करना, चौथा इंटीग्रेट करना, पांचवा हमारा क्या हो जाएगा फिर से जेड को क्या एज्यूम किए थे उसको लिख देना। यहाँ पर से क्या हो जाएगा लॉग और जेड के जगह पर आपका क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। यही आप लोग का जो वैल्यू आएगा। तो आप थ्री क्वेश्चन में अब आपको एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम है तो थ्री क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस वैल्यू को एज्यूम करेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा सारा वैल्यू जिसको हमें एज्यूम किया उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, यानी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी अगर करना पड़े तो आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉमन नहीं लेते तो आपको डिफिकल्टी होता और एज्यूम करते तो डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू भी नहीं आता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अगर हमको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ कॉमन लेना है, तो पहले उसको सेट कर लेंगे, फिर हम लोग एज्यूम करेंगे, तब जाकर डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद सारे वैल्यू को जो एज्यूम किया जिस वेरिएबल में उस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से जिसको एज्यूम किए थे वो वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में यहीं तक, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन पे 7.2, यानी जो आप देख रहे हैं वह एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन चाहे वह जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी लेक्चर को देख रहे हैं अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम रिस्पॉन्स 100% चांस है देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।